वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस पावर स्टॉक में भी आज काफी गिरावट नजर आ चुकी है स्टॉक यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तकरीबन बजट रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत आज यहाँ पे बजट सामने ज्यादा हो चुका है, तो उसके बाद जो दोपहर के बाद स्टॉक में काफी गिरावट नजर आ चुकी है। 13 लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजिस्टेंस एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस पावर स्टॉक के लिए। 12.35 आज क्लोजिंग डे स्टॉक ने तकरीबन यहाँ पे 40 पैसे की गिरावट यानी कि 3% से ज्यादा गिरावट रिलायंस पावर में देखने को मिले। प्रीवियस क्लोजिंग को जैसे ब्रेकडाउन मिला तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, जो 12 लेवल सपोर्टिव लेवल है स्टॉक के लिए, उसी के ऊपर एंड ऑफ द डे में क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है रिलायंस पावर स्टॉक। मार्केट कैप 4000 करोड़ के ऊपर स्टेबल है आज भी। पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो स्टॉक 5.73% डाउन है पिछले 5 दिनों में। वॉल्यूम के ऊपर भी नजर डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है रिलायंस पावर के आज के दिन का 2 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर, टोटली 2 करोड़ 6 लाख का। ट्रेडेड वैल्यू देखी जाए तो 2604 लाख की है। लोअर सर्किट लेवल 12.15 आज जहाँ तक चला गया था स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्टॉक ने यहाँ पे लोअर सर्किट के लेवल से बाउंस बैक भी हो चुका था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन अवेलेबल ने रिसेंटली, तो चार्ट के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक में काफी गिरावट आज देखने को मिले। 12.45 लेवल काफी दिनों से सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, उस लेवल को ब्रेकडाउन किया है स्टॉक ने, तो नीचे जाता है तो स्टॉक को यहाँ पे अगला जो सपोर्ट है 11.80 टू 12 लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लगने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं।